हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है आपके न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। जनरली जब बच्चा पैदा होता है, आप बच्चे को फीड कराते हैं, आपने बॉटल फीड कराया है, ब्रेस्ट फीड कराया है, तो जनरली आपको बोला जाता है कि बच्चे को बर्प कराइए, यानी बच्चे को डकार दिलाइए। बट ऐसे मदर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि बच्चों को डकार दिलाना क्यों जरूरी है। आज मैं आपको इसका आंसर दूंगी, प्लस बच्चों को डकार दिलाने की दो सिंपल टेक्निक्स मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ बातें डिस्कस करूंगी जो कि आप बच्चों को डकार दिलाने के टाइम पर आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में बल्ब यानी बच्चों को डकार दिलाना क्यों जरूरी है। तो जनरली क्या होता है, जब आप बच्चे को फीड कराते हैं, बच्चे को आपने ब्रेस्ट फीड कराया है या बॉटल फीड कराया है, तो जब बच्चा निप्पल सक करता है तो दूध के साथ साथ बच्चे के पेट में हवा जाती है। अब जो हवा बच्चे के साथ दूध के साथ पेट में चली गई है, वो जो हवा पेट में गई है वो बच्चे को डिसकम्फर्ट पैदा करती है, बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करता है एंड कभी कभी बच्चा स्पिट अप कर लेता है। तो जब बच्चा स्पिट अप करता है, बच्चे ने दूध निकाल दिया, मुंह के थ्रू भी निकलता है, नाक के थ्रू भी निकल जाता है, तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है एंड कभी कभी बच्चा आपने देखा होगा स्पिट अप करता है, दही जैसे फॉर्म में करता है, वो गाढ़ा गाढ़ा भी बच्चे के मुंह से निकलता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, प्लस आपने इतनी मेहनत करी, बच्चे को फीड कराया, बच्चे के न्यूट्रिशंस बच्चे के पेट में गए दूध के थ्रू, वो सब बाहर आ गया है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, जब भी आप बच्चे को फीड कराएं उसके बाद बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। तो डकार दिलाने से क्या होता है, जो बच्चे के पेट में गैस गई थी, जो हवा गई थी, वो जो एसिडिटी टाइप बन गया बच्चे के पेट में जाकर, वो आप बच्चे को डकार दिलाएंगे तो वो बाहर आ जाता है एंड बच्चा अनकम्फर्टेबल जो फील कर रहा था वो ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डकार दिलाने के लिए आप बच्चे के लिए किन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डमी के थ्रू दिखाती हूँ, मेरा बच्चा 15 मंथ्स का है, मैं उसके साथ तो ये वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी अगर मैं उसके साथ ही वीडियो करने लगूँ। तो मैंने ले लिया है अपने बेबी का एक टेडी बेयर, जिसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि आप बच्चे को कैसे डकार दिला सकते हैं। तो पहला और सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको बच्चे को फीड कैसे कराना है। कभी भी बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभालता, शुरू के 4-5 महीने तो बच्चा सिर्फ लेटा ही रहता है, सीधे लेटा है, इस तरह से इस पोजिशन में लेटा है, आपको जब भी अपने बच्चे को फीड कराना है, ब्रेस्ट फीड कराना है या बॉटल फीड कराना है, तो बच्चे का जो सर है वो उसकी बॉडी से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा इजीली दूध पी लेगा एंड बच्चा जो बच्चे ने दूध पिया है वो एकदम बाहर नहीं आएगा। अब जब आपने अपने बच्चे को दूध पिला लिया है, फीड उसकी खत्म हो गई है, अब आपको क्या करना है, बच्चे को डकार दिलानी है। उसके लिए आप अपने बच्चे को लीजिए एंड उसके जो मुंह है आपके, जो गर्दन है, उसको आप अपने कंधे से लगाइए इस तरह से, एंड कंधे से लगा के अब आपको बच्चे की जो पीठ है वो थपथपानी है, बच्चे की पीठ को पैक करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा वो ऐसे 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 करते हैं, अरे यार तुम्हारा बच्चा है, प्लीज बी काइंड। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत हल्के हाथों से आपको बर्प कराना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आप पैट कीजिए हल्के हाथों से, तो आपको इस तरह से दूध बच्चे का, ताकि नीचे चला जाए एंड जो जिस डिस्कम्फर्ट था, जिस गैस की वजह से, वो बाहर आ जाए, रिलीज हो जाए, उसके लिए आपको बच्चे को इस तरह से पैट करना है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो बर्प वाला प्रोसेस है ये 10 से 15 मिनट ले सकता है, तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए और बच्चे को पैट करना है इस तरह से। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी कभी ऐसा होता है आपने बच्चे को फीड कराया एंड जैसे आपने बच्चे को कंधे से लगाया, बच्चा डकार ले लेता है, तो डॉक्टर बोलते हैं तो भी आपको, अगर बच्चे ने एकदम डायरेक्ट उठते ही डकार ले ली है, तो भी आप बच्चे को थोड़ी देर अपने कंधे से लगाकर रखिए एंड पैट करते रहिए बच्चे की कमर को, ताकि जो थोड़ी बहुत गैस बनी हुई थी उसके पेट में वो बाहर आ जाए एंड बच्चे का डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। दूसरी टेक्निक्स जो बहुत सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं, छोटा बच्चा जो होता है उसकी गर्दन नहीं संभलती है, तो आप क्या कीजिए, इस हाथ से आप अपने बच्चे की गर्दन पकड़िए, अपनी गोदी में बच्चे को हल्के से बिठाइए एंड उसकी कमर पैट कीजिए, पैट पैट पैट, इस तरह से आप कमर बच्चे की थपथपाएंगे, तो जो बच्चे के पेट में गैस बन गई थी, जिसकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो डकार की बुक में बाहर आ जाएगी।
तो ये थी दो सिंपल टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चे को डकार दिलाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को बर्प कराते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो तरीका है जो मैंने आपको बताया बच्चे के लिए बर्प टेक्निक यूज कर रहे हो, उसमें आप क्या करते हो, बच्चे को आप अपने कंधे से लगाते हो, उसकी पीठ थपथपाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो पेट है वो ना दब जाए, क्योंकि बच्चे ने अभी ताजा ताजा दूध पिया है, उसका पेट ऑलरेडी फुल है। अगर आप उसको पेट को दबा दोगे एंड उसके साथ 10 मिनट तक ये बर्प वाला प्रोसेस करते रहोगे तो बच्चे को पेट दर्द हो सकता है, बहुत अनइजी फील करेगा बच्चा, हो सकता है स्पिट अप कर दे। तो आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए कि आप जब भी बच्चे को पैक कराएं, बच्चे को बर्प कराएं, तो बच्चे का पेट ना दबे। इसीलिए जो बोला जाता है कि फीमेल के अकॉर्डिंग अगर एक मेल बच्चे को बर्प कराए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बच्चे को बर्प कराएंगे तो आपकी ब्रेस्ट एंड उसका पेट कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, बच्चा का जो पेट है वो दब जाता है एंड बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो आपकी फैमिली में आपके जैसे हस्बैंड हो गए या आपके इन-लॉज में से कोई आपके बच्चे को बर्प कराए तो बहुत अच्छा है। दूसरा जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो है, क्योंकि आप नई माँ बनी है, आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है, सीजेरियन हुई और नॉर्मल हुई हो, आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड फील करते हो, आप फीड करा रहे थे बच्चे को, कभी कभी बच्चा आधे घंटे तक फीड लेता है। उसके बाद अगर आप ही बच्चे को बर्फ के लिए सोचेंगे कि मैं ही बच्चे को बर्फ करा देती हूँ तो आपके लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप बच्चे को फीड करा दीजिए एंड आपकी फैमिली में जो भी आपकी डिलीवरी के बाद केयर कर रहा है आप उसको अपना बच्चा दीजिए, वो आपके लिए आपके बच्चे को बर्प करा देगा एंड उस टाइम पर आप अपनी देखभाल कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।